चौटाला साहब, पोते की शादी में तो नहीं पहुंच पाए, क्या मैसेज देना चाहोगे? ये प्रेस की बात होगी। बड़ी सीधी सी बात है, इन दिनों चौटाला कुनबे में पारिवारिक रिश्तों पर राजनीतिक परिस्थितियां भारी पड़ रही हैं और ये बात सबकी आंखों के सामने है। ऐसे में पोते दिग्विजय चौटाला की शादी में शामिल ना होने पर चौटाला साहब भला बोल भी क्या सकते हैं, और रही बात मैसेज देने की, तो उसकी जरूरत ही क्या है, जबकि पूरा हरियाणा जानता है कि राजनीतिक टकराव में चौटाला परिवार में बिखराव हो चुका है और इसकी टीस शायद सदियों तक खत्म नहीं होने वाली। चौटाला साहब, पोते की शादी में तो नहीं पहुंच पाए, क्या मैसेज देना चाहोगे? ये प्रेस की बात होगी। इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला की इस मुस्कुराहट में कितना दर्द छुपा है उसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता, क्योंकि जिस पोते के पैदा होने पर चौटाला साहब झूम उठे थे, जिस पोते को उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, राजनीति सिखाई, आज उसी पोते की शादी में दादा ओपी चौटाला जा भी नहीं सके और आशीर्वाद देना तो दूर की कोड़ी है। जी हाँ, जेजीपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला बीते दिन अमृतसर की लगन को रंधावा के साथ शादी के बंधन में बंध गए। चर्चाएं थी कि राजनीतिक दूरियों के बावजूद चौटाला परिवार के बीच अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है और ओपी चौटाला तो जरूर पोते दिग्विजय की शादी में जाएंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ओपी चौटाला इनेलो की परिवर्तन यात्रा में तो शामिल हुए पर पोते की शादी में नहीं गए और सवाल पूछने पर चुप्पी साध ली और हंसते हुए कहा कि ये उनका निजी मामला है। चौटाला साहब, पोते की शादी में तो नहीं पहुंच पाए, क्या मैसेज देना चाहोगे? ये प्रेस की बात होगी। चौटाला साहब, पोते की शादी में तो नहीं पहुंच पाए, क्या मैसेज देना चाहोगे? ये प्रेस की बात होगी। शायद इसलिए कहा जाता है कि राजनीति में सब कुछ जायज है, मगर विडंबना देखिए, चौटाला परिवार की इन दूरियों पर परिवार का कोई सदस्य खुलकर बोल तक नहीं पा रहा। हालांकि जेजेपी सुप्रीमो अजय चौटाला का कुनबा हमेशा से ही ओपी चौटाला के आगे नतमस्तक होने की बात करता है और ये भी कहता है कि अगर चौटाला साहब चाहेंगे तो परिवार ही नहीं बल्कि दोनों पार्टियां भी एक हो सकती हैं। लेकिन ये पहल कौन करे, बड़ा सवाल तो ये है। बहरहाल चौटाला परिवार के बीच दूरियां मिटाने का सबसे अच्छा मौका दिग्विजय की शादी थी, लेकिन लगता है कि शादी के बाद दूरियां और भी बढ़ गई हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि चौटाला परिवार में दरार बहुत गहरी हो चुकी है, जिसे भरना अब आसान नहीं है। फरीदाबाद से अनिल लाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।